मुख्यमंत्री आवास में बृहस्पतिवार को महिला दिवस के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इसके तहत महिला भागीदारी को प्रोत्साहन विषय पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिकता की घटनाओं को रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को विशेष अवसरों पर सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य की सरकारें मिलकर सभी प्रकार के जो प्रयत्न हैं, सभी प्रकार के जो प्रयास हैं, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब होम मेकर के साथ साथ नेशन मेकर के रूप में भी आप सबको आगे बढ़ना होगा, तभी हम सही अर्थों में प्रदेश का और देश का विकास संभव हो पाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इस निरंतर प्रयास में लगे हैं कि महिला मातृशक्ति का जीवन स्तर हमारी जितना अधिक से अधिक ऊपर उठाया जा सकता हो उसको ऊपर उठाए जाने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के ई पेपर अपनी वाणी का भी शुभारंभ किया। साथ ही महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह को रोकने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नारी शक्ति को नमन करते हुए महिला सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।